भाई जोगिंदर, इस बंदे ने राहुल गांधी से ज्यादा गालियां खा चुका है, और तो और सारे रोस्टर्स उसको मिल कर चुके हैं और इवन नॉन रोस्टर्स भी। लेकिन क्या आप सबको पता है इस सबके पीछे ताराबाई जोगिंदर की एक बहुत बड़ी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है? अगर नहीं तो इस वीडियो को एंड तक देखो, आपको समझ आ जाएगा। सो लेट मी फर्स्ट गिव यू ऑल अ बैकग्राउंड अबाउट हिम, दो यू ऑल नो बट वाई नॉट। सो ताराबाई जोगिंदर, ये नमूना हर एक को पता है राइट? आप जो ये वीडियो देख रहे हो उसके वीडियो के नीचे कुछ तो बोल के उसको आए हो या फिर इसके बाद जाओगे जरूर। और हर एक इंसान जो उसकी वीडियो पर कमेंट करता है, फिर उस पर रोस्ट करता है, एवरीवन थिंक्स दैट ये बंदा चुप क्यों नहीं बैठता है भाई, चुप हो जाएगा बात खत्म, बिकॉज दैट्स व्हाट द गेम इज राइट। आप कुछ तो बोलते हो मन में आता है वैसा विदाउट चेकिंग सही है गलत, फिर आपके ऊपर रोस्ट बनते हैं, बहुत सारे कॉल आउट होते हो आप, एंड देन यू गो अंडरग्राउंड एंड एवरीथिंग इज सॉर्टेड राइट। बट अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको बता दूं कि ये ताराबाई जोगिंदर की बहुत बड़ी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, बिकॉज इसके पहले उसे कौन देख रहा था? हाँ, उसका फेसबुक पे एक पेज था या फिर कुछ भी कह लो, आई डोंट नो व्हाट इट्स कॉल्ड ऑन फेसबुक, और वहां पे वो कुछ भी अजीब अजीब से वीडियोस डालता था, उसके नीचे कुछ कुछ आके बोल के जाते, लेकिन ही हैज दैट हैबिट ऑफ इग्नोरिंग ओके। लेकिन जैसे ही इसका एक वीडियो किसी ने नोटिस किया, उसके लाइफ में दीपक कलाल नाम का भवंडर आ गया एंड एवरी वन वॉज शुक, बिकॉज जिसे रोस्ट कर करके सबके घर चल रहे थे उसने किसी को रोस्ट कर दिया था। इसके बाद से सब चार्ज अप हो गए, सबके दीपक कलाल रोस्ट, बॉलीवुड किड्स रोस्ट या फिर नेपोटिज्म रोस्ट या फिर रील्स रोस्ट, इंस्टाग्राम रील्स रोस्ट, ये सबके साथ एक प्लेलिस्ट सबके दिमाग में बन ही चुकी थी, ताराबाई जोगिंदर रोस्ट। पीपल वर रोस्टिंग हिम लेफ्ट एंड राइट, लाइक इतना ज्यादा उस बंदे को रोस्ट कर दिया। एंड ऑब्वियसली ह्यूमन नेचर है, अगर हम पे कोई पत्थर मारेगा तो हम लोग शांत तो बैठेंगे ही नहीं, एंड सेम गलती, आई से गलती एट द स्टार्ट ताराबाई जोगिंदर ने कर दी। उसने जिसने जिसने उस पर वीडियोज बनाए उनको रिप्लाई में वीडियोज बनाना चालू कर दिया, एंड दिस गेव राइज टू मोर कॉन्टेंट राइट, बिकॉज वॉट दैट्स वॉट वी आर डूइंग हियर। एंड जैसे जैसे ये सब चीजें हो रही थी कि ये वीडियोज बना रहे हैं उनको और कॉन्टेंट मिल रहा है, इस सब में एक बैकग्राउंड प्रोसेस हो रहा था जो किसी ने नहीं देखा। ताराबाई जोगिंदर के वीडियोज लोग जाके देख रहे थे पूरे के पूरे, या तो रोस्ट करने को या तो उसे काउंटर कमेंट करने को, एंड दैट्स वॉट यूट्यूब नीड्स राइट फॉर द मनी गिविंग पर्पज। व्यूज जो से आ रहे थे, डिसलाइक से उसका कुछ भी इनकम कट नहीं हो रहा है या फिर गालियों से उसका इनकम कट नहीं हो रहा है। हर एक वीडियो पे आप जाके देख लो, आप समझ जाओगे खुद से कि उसके 2 लाख से भी ज्यादा उसे व्यूज है उसके हर एक वीडियोस पे। एंड जैसे ये चीज हुआ, हमारे भोली जोगी को एक आइडिया आ गई कि इफ वी आर डूइंग दिस एंड गेटिंग रोस्टेड, व्हाई नॉट गेट दैट इनकम फ्रॉम इट राइट। फिर हमारे ताराबाई जोगिंदर गाड़ी में बैठ के अपने लोएस्ट एफर्ट्स वीडियोस डालने लगे, उसे बहुत सारे लोग रोस्ट करते थे, उसे बहुत सारे लोग देखने लगे। नाउ इससे व्हाई आई हैव सेड ऑल दिस ओके, इसे एक चीज समझनी चाहिए, ऑब्वियसली इस बंदे को पहले बहुत हेट मिला, क्रिटिसिज्म मिला, लेकिन कुछ यूट्यूबर्स जाते थे उस पर रोस्ट करने, उसके ऑडियंस जाके उसे कुछ ना कुछ बोल के आ जाती थी, ऑब्वियसली उसको पहले गुस्सा आया। लेकिन एज ये चीज नहीं रुका, उसने इसको काउंटर करने के लिए एक स्ट्रैटेजी बना लिया कि लेट्स मेक मनी फ्रॉम दिस। हम सबके साथ ये चीज होता है राइट, कहीं ना कहीं पे हेट्स आते ही है, लेकिन वी हैव टू अडेप्ट इट, वी हैव टू चेंज इट इट इन समथिंग पॉजिटिव, एंड ये चीज ताराबाई जोगिंदर ने किया। हम लोग में से बहुत सारे लोग ये चीज नहीं कर पाते हैं, एंड दिस मैन हु सब जो सब इसको पागल समझते हैं डिड दिस वेरी वेरी स्मार्टली एंड प्लेड हिज गेम एंड स्टिल प्लेइंग एंड स्टिल अर्निंग अ लॉट ऑफ व्यूज एंड अर्निंग फ्रॉम यूट्यूब विच यू गाइज डोंट अंडरस्टैंड। यही था इस वीडियो के लिए, मुझे आपको ये समझाना था कि कैसे हेट को हैंडल करना है फ्रॉम आर क्लासिक एग्जाम्पल ताराबाई जोगिंदर। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दो, एंड कमेंट करके बताओ आपको ये वीडियो कैसा लगा। कुछ अगर हेल्दी क्रिटिसिज्म है तो भी बताओ, कुछ जो भी पॉसिबल है कमेंट कर दो नीचे, सब्सक्राइब कर दो बिकॉज इट्स फ्री एंड इट डजंट टेक एनी एफर्ट्स राइट। से वो लाल बटन को प्रेस करना है, उसके बाजू का जो घंटी है उसको प्रेस करके ऑल पे करना है, दैट्स इट। सो व्हाई आर यू वेटिंग फॉर, प्लीज डू दैट नीडफुल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।